का लव जिहादियों की फैक्ट्री बनता जा रहा। चाईबासा जिले के चक्रधरपुर शहर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। चक्रधरपुर में ई रिक्शा चलाने वाले अदनान खान नामक एक युवक ने अमित कुमार बनकर पहले हिंदू नाबालिग लड़की को प्यार के जाल में फंसाया, उसके बाद उसे दो बार गर्भवती किया। जब पहली बार लड़की गर्भवती हुई तो उसे दबा न कर गर्भपात करा दिया। अब फिर से नाबालिग दो माह की गर्भवती है। वहीं इस पर भाजपा ने भी तंज कसते हुए कहा है कि हेमंत सरकार के कार्यकाल में झारखंड लव जिहादियों की फैक्ट्री बनता जा रहा है। देखिए, हेमंत सोरेन के कार्यकाल में झारखंड लव जिहादियों की फैक्ट्री बनता जा रहा है। जिहादी मानसिकता वाले लोगों को पता नहीं इस सरकार में अपना अपना सरकार वाली फीलिंग क्यों आती है। लगातार सनातनी बेटियों को टारगेट किया जा रहा है एक विशेष समुदाय के कुछ जिहादी मानसिकता वाले लोगों के द्वारा। और जो ताजा घटना है वो झारखंड के चाईबासा जिले के चक्रधरपुर की है, जहां अदनान खान ने खुद को अमित कुमार बनाकर एक जो नाबालिग हिंदू लड़की है उसको अपने झांसे में लिया और लगातार उसका यौन शोषण करता रहा, उसे गर्भवती कर दिया, फिर उसका गर्भपात कराया, फिर उसको विश्वास में लेने के लिए उन्होंने हद कर दी और एक शिव मंदिर में जाकर अदनान खान ने अमित कुमार बनकर इस लड़की के साथ शादी की। तो इस नाबालिग बेटी ने जब शिकायत की पुलिस के पास तो पुलिस इस केस को जल्दी दर्ज नहीं कर रही थी, बाद में दबाव के कारण दर्ज हुआ, अदनान खान की गिरफ्तारी हो गई। लेकिन हमारा प्रश्न है कि सिर्फ अदनान खान की गिरफ्तारी से ये मामला समाप्त नहीं होता, इस पूरे गिरोह का, इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश करना चाहिए जो एक साजिश के तहत सनातनी बेटियों को टारगेट करता है और उनका यौन शोषण करता है, लव जिहाद करता है और धर्म बदलने का दबाव बनाता है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।